मौसम विभाग ने बताया सोमवार को कैसा रहेगा दिल्ली एनसीआर का हाल, होगी बारिश या साफ रहेगा आसमान। अब मौसम विभाग ने ताजा भविष्यवाणी की है कि सोमवार से इस बरसात में कमी आएगी। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आर के जे नामनी ने बताया कि सोमवार से मौसम में बदलाव होगा। अभी ठंडी हवाएं चल रही है, उससे भी कुछ राहत मिलेगी मगर बारिश नहीं होगी। बीते दो दिनों से पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह पश्चिमी विक्षोभ बताया गया है। अब मौसम विभाग ने ताजा भविष्यवाणी की है कि सोमवार से इस बरसात में कमी आएगी। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आर के जे नामनी ने बताया कि सोमवार से मौसम में बदलाव होगा। अभी ठंडी हवाएं चल रही है, उससे भी कुछ राहत मिलेगी मगर बारिश नहीं होगी। मालूम हो कि बीते दो दिनों से हो रही बरसात की वजह से पूरे उत्तर भारत की हालत खराब है। कई जगह तो इस बरसात ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। बारिश के असर से अधिकतम तापमान में ही गिरावट नहीं हुई बल्कि दिन के समय भी लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ। शुक्रवार का अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 1 डिग्री अधिक था, वहीं शनिवार को यह सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। रविवार को भी बादल छाए रहे और बूंदाबांदी होती रही। शनिवार को बारिश का यह दौर सुबह ही शुरू हो गया था जो दोपहर तक चलता रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 16.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 88 से 100% रहा। बारिश सुबह 8:30 बजे तक 40.6 जबकि सुबह 8:30 से रात 5:30 बजे तक 6.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खास बात यह कि शनिवार को सफदरजंग और पालम की बारिश ने रिकॉर्ड भी तोड़ा। सफदरजंग पर 24 घंटे के दौरान 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जो 22 सालों के दौरान दिल्ली में जनवरी की 24 घंटे की सर्वाधिक है। इससे पहले 7 जनवरी 1999 को 46 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसी तरह पालम में शनिवार को 24 घंटे के दौरान 47.6 मिलीमीटर बारिश हुई। वर्ष 1959 से लेकर अभी तक जनवरी की यह दूसरी सर्वाधिक बारिश है। इससे पहले यहां 26 जनवरी 1962 को 45.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पालम में जनवरी का ऑल टाइम रिकॉर्ड 9 जनवरी 1995 के नाम है जब 52.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि रविवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा होगा। बूंदाबांदी होने के भी आसार बताए गए थे।